इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ एक पोजीशन के ऊपर। ये पोजीशन इतनी ऊंची है, हमारे सलमान भाई नीचे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे भी होंगे। आज हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत काम करने के लिए। ऑफिस में जब आओ तो आप नौकरी हो जाते हो, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं एक जगह पे कैमरे लगाने के लिए बेंगलोर में, क्योंकि वहाँ पे कैमरे का इशू आया है। और हम इस वक्त जो है अपना ये क्या कहते हैं डिफेंस की गलियों में फहार हो रहे हैं इधर से उधर। ये देखें आज गर्मी इतनी टाइट हो चुकी है कि आप ना पूछें। महकमा मौसमियात वाले ये कह रहे हैं कि भाई बारिश हो सकती है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी सख्त है। हमारे नवाज़ भाई तो चले गए हैं, मुख्तियार भाई इस वक्त नसवार अपने ऊपर लगा के नसवार नहीं लगाई, अच्छा मावा खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं। देख रहे इससे चक्कर में पता चले तू गली भूल जाए है। ये देखें आप, ये हमें जो है हम पे फायर हुआ है बहुत ख़तरनाक किस्म का। भाई हमारे ताल्लुकात बड़े ना यार, फायरें तो होते रहते, छोटे मोटे ये मसले लगे रहते हैं। ये देखो किस तरह का ये निशान बना है, बिल्कुल गोल, समझ आ रही बात। और यहाँ पे ये गर्मी इतनी हो गई कि हर बंदा जो है टिश्यू इस्तेमाल किया। यार मुझे क्या पता कौन सी गली है, अबे आगे वाली गली है, आगे तो जा, आगे आगे। और ये देखें आप, तो खैर हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई किस तरह हम आज कैमरे इंस्टॉल करेंगे। हमारी जॉब में ये भी एक पार्ट है जिसमें हम काम करते हैं। और चलो आपको हम जो है दिखाते हैं अपना हल्का फुल्का काम। झटके नहीं मार, यही गली है, चल। ये देखिए भाई यहाँ पे हमारे फ्रूट वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े मज़े वाले फ्रूट लगा के इस गली में हम घुस गए। और यही गली वहाँ जाती है जहाँ पे हमने कैमरे लगाने, ख़तरनाक किस्म की गली है। गाड़ी देख रहे हो, ये सारी मेरी गाड़ियाँ हैं, बस ये है कि मैं अपने नाम पर अभी तक फिलहाल नहीं की। पहली फुर्सत में निकल। A few moments later. तो मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ एक पोजीशन के ऊपर। ये पोजीशन इतनी ऊंची है, हमारे सलमान भाई नीचे खड़े हैं। और ये जो आपको कैमरा नज़र आ रहा है, नहीं भाई ये कैमरा लगाते हैं हर वक्त, हम एसी में नहीं बैठे रहते, काम भी करते हैं यार, हमारा काम कोई आसान नहीं होता। अच्छा भाई ये देखो ये कैमरा ये है, और कैमरे का ये सामान है, ये कनेक्टर वगैरह लगाने के लिए पंच ट्यूब होता है, इसमें कनेक्टर बॉक्स से कनेक्टर वगैरह पड़े हुए हैं। और ये कैमरे हैं, साथ में ये कैमरा पड़ा है। और यहाँ पे ये वाला जो आपको कैमरा नज़र आ रहा है ना, ये ख़राब था। और इसके अलावा ये बैंगलो है, इधर एक ये पंखा आपको नज़र आ रहा है, इस तरफ एक कैमरा है, और एक जो है यहाँ पर ये जो है इशारा देख रहे हैं इधर, इस तरफ बाहर भी एक कैमरा है। तो यहाँ जो है आ रही लाइट आ रही है भाई। ये यहाँ पे जो है कबूतर वगैरह, छोटा सा पिंजरा है, यहाँ पे आप बर्ड्स वगैरह कोई भी चीज़ पालतू चीज़ रख सकते हैं, बड़ी प्यारी जगह है। और ये बेंगलोर शेंगलोर पे जो है हालात है, ये देख रहे हो ग्रीनरी है, यहाँ पे आप झूले खा सकते हैं, आराम से चढ़ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इतनी बुरी हालत है कि ना पूछो। और ये हमारे आसिम भाई, इसने हमारी हेल्प की है काम में, तब जाके ये काम पूरा हुआ है। और चश्मा जो है हमारा फ़िलहाल रहता है, हम चश्मा वगैरह ले लें और चश्मा लगा के आपको दिखाते हैं कि चश्मा कैसा लगता है। भाई ये देखो क्या हीरो लग रहा, नहीं लग रहा आपका भाई फुल टाइम। अब यहाँ से हमने सामान सामान अपना ले लिया है, गाड़ी अपनी तैयार होने वाली है, अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये खड़ी है तैयार बिल्कुल, और ये हमारे आसिम भाई भी तैयार खड़े हैं, और आसिम भाई हमारा गेट खोल रहे हैं यहाँ पे। ये डब्बा शब्बा भी रखेंगे, आसिम भाई जल्दी जल्दी डब्बा रखो, गाड़ी खोलो, मुझे फुल टाइम गर्मी लग रही है और मुझे घर जाना है, समझ आ रही है बात आपको। चाय अल्लाह की तरफ से कहीं ना कहीं आसिम मिल ही जाएगी भाई। यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि चाय पिलाएं। अफार भाई गेट खोलें, अंदर से खुलेगा, बाहर से नहीं खुलने वाला। मजदूर जो है यहाँ पे मजदूरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक और बेंगलोर जो है तैयार होने वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। गाड़ी तैयार हो गई है फुल की तरह, बहुत तेरी ख्याल फुल जो है तंदूर जिसे कहते हैं आप, रोटियां लगाएंगे तो यहाँ आराम से पक जाएंगी। फुल टाइम गर्मी कराची के अंदर तपशप हो गई है। और चश्मा मेरा उसे ले लो ना, ये रहना चश्मा यार। ऑफिस मैं पहुंच गया था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मेंटली जो है आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और बहुत आंखों में जो है मेरे पसीना आ रहा था, क्योंकि काम इस तरह था, वायर का काम था, वायर वगैरह हमने लगानी थी, कैमरे लगाने थे, वो लगा लिए,
उसके बाद जो हद हो गई थी ना गर्मी की, खाना भी इतना लेट खाना पड़ा। और सुनने में ये आ रहा है कि भाई कराची में बारिश होगी, जिस तरह हम अब इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो बताया जा रहा है कि भाई पहले बताया जा रहा था कि 5 बजे होगी, फिर बताया जा रहा था 7 बजे होगी, अब 8 पे चली गई। मुझे लग रहा है हम जैसे जो है गुनाहगार बंदे पे ये बारिश नहीं बरसने वाली, क्योंकि अचानक ही इस तरह जो वेदर था बिल्कुल हवा आस पास बिल्कुल बंद हो चुकी है और गर्मी ने अपनी शिद्दत जो है इख्तियार कर ली है। अब छुट्टी का भी वक्त होने वाला है और छुट्टी करेंगे, घर की तरफ जाएंगे। दुआ ये है कि भाई बारिश वारिश हो जाए और बस काम शाम भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है। भाई हम पेट्रोल पंप पे रुके और यहाँ पे नमाज अदा की, और देखा जाए तो यार महंगाई होने के बावजूद पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। और अब जो है मैं पहुँच चुका हूँ, पेट्रोल वगैरह और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद घर पे मैं पहुँचा। और मेरी आजकल की जो रूटीन चल रही है वो ये है कि भाई मैं आते ही जो है अपना पुदीना जो है इसका मैं एक शेक शरबत बना देता हूँ, जिसे शरबत ही कहेंगे यार, जूस बनाते हैं, और ये मैं इसमें डालता हूँ। और ये मैं भाई डेली बेस पे आजकल कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है और इसके लिए ये चीज़ भाई ज़रूरी होती है यार। इससे ये है कि मैदा जो है आपका ठंडा रहता है, क्योंकि यार गर्मी शर्मी आजकल ज़्यादा जो है, आज ज़्यादा काम किया था जिसकी वजह से ये जो है पीना पड़ रहा है। तो खैर इसके अंदर मैं पानी मिलाऊँगा, फिर पानी के साथ जो है अपना थोड़ा सा काला नमक जो लाल नमक जो होता है वो डाल दिया, नींबू डाल दिए, और साथ में मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर अपना ग्लूकोज वगैरह भी डाल देता हूँ। तो ये है कि थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि सारा दिन की थकान वगैरह जो है इससे आराम से उतर ही जाती है। तो चलो इसको बनाते हैं भाई। ये इसमें आ गया नमक, ये एक चीनी का चम्मच, और ये दूसरा चम्मच, और ये है नींबू। भाई मसला ये हो चुका है कि लाइट भी चली गई है, अब क्या करना है। अब ये है कि अब जो बैटरी वाला जुगाड़ है हमारा उस पर जाके जूस बनाएंगे। लाइट चली गई यार, ये व्लॉग के चक्कर में अल्लाह माफ़ करे। मिलते हैं आपको बाद में भाई।